देखिए, पूरे जनपद में कुल 12 हॉट स्पॉट्स हैं। इसके अलावा बहुत भारी संख्या में हमारा पुलिस बल जगह जगह नाकाओं पे, चेकिंग पॉइंट्स पे लगा है, जो लॉकडाउन को कंट्रोल करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए लगाया गया है। तो सीधे पब्लिक कॉन्टैक्ट पुलिस का संभावित है और इस दृष्टिकोण से पुलिस सेंसिटिव स्टेज पे है, वल्नरेबल कंडीशन में है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पहली कोशिश तो ये की है कि जो ज़्यादा गंभीर स्थल हैं, जहाँ पे पॉजिटिव केसेस होने की संभावना है या जिन इलाकों में पाए गए हैं जो हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित हैं, वहाँ पर हमने सारे कर्मचारियों को उन्हीं को लगाया है जो 55 ईयर से कम उम्र के हैं। इसके साथ ही उन सभी को सैनिटाइजर, मास्क और PPE किट भी उपलब्ध कराया गया है कि अगर कहीं आवश्यकता अनुसार जाने की आवश्यकता पड़ती है ऐसे संवेदनशील स्थल पर जहाँ पॉजिटिव होने की संभावनाएँ हैं, तो वो जो है PPE किट्स में जाएं और लगातार अपने हाथ को साबुन से साफ करते रहें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हमने सारे थानों को लगभग दो दो की संख्या में स्कैनर दे रखे हैं, थर्मल स्कैनर, जिनकी मदद से सारे सिपाहियों की प्रतिदिन स्कैनिंग की जाती है कि अगर किसी में कोई लक्षण मिलते हैं तो तत्काल डॉक्टर से सलाह लिया जाता है। फिलहाल सौभाग्य से अब तक हमारे जनपद में पुलिस का कोई भी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया है, लेकिन हम लोग अनवरत लगातार प्रयासशील हैं और पुलिस लाइन में प्रतिदिन थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, थानों पे थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, नाका आज पे जो फोर्स लगाया गया है उसको भी मास्क और सैनिटाइजर्स की व्यवस्था कराई गई है, साथ ही स्कैनर्स की मदद से उनका भी परीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है। सर, अब तक तो कितनी संख्या पॉजिटिव? देखिए, जो प्राप्त जानकारी है उसमें 53 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं पूरे जनपद में, जिसमें एक की डेथ दिल्ली में हो गई थी और इनमें से 11 पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।